हाई एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम सेकेंड ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ़ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट पहले दे देती हूँ कि क्या क्या आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ठीक है रिलेटेड टू ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के जो आर्टिकल हैं हेडलाइंस टॉप हेडलाइंस आज की सो लेट्स ओके तो सी बी एस ई बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो कैंसल्ड हो गए हैं ट्वेल्थ के सी बी एस ई क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल्ड प्राइम मिनिस्टर चेयरडर रिव्यू मीटिंग इनकी हुई थी बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ सी बी एस सी के साथ तो यहाँ पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी उन्होंने ऑन द वाइड एंड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हेल्थ सो फार एंड व्यूज़ रिसीव फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद जो डिसीज़न है बच्चों के इंटरेस्ट में ये लिया गया है कोविड नाइन्टीन ने पूरी तरीके से जो एकेडमिक कैलेंडर है इस बार का वो अफेक्ट कर दिया है और इमेंस एन्जाइटी है अमंग स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स विच मस्ट बी पुट टू एन एंड सो ये डायनेमिक सिचुएशन है कोविड सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री वाइल द नंबर आर कमिंग डाउन इन द कंट्री एंड सम स्टेट्स आर मैनेजिंग दिस सिचुएशन थ्रो इफेक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट लेकिन अभी भी बहुत सारे uh, जो स्टेट्स हैं उन्होंने लॉकडाउन को ही चूज किया है तो यहाँ पे नेचुरली मतलब जो पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट्स हैं तो वो वरीड थे इस सिचुएशन को लेके और किसी को भी इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपेयर हो एग्जाम में ठीक है तो ये है एग्जाम फाइनली कैंसल्ड हो गए हैं और पूरा जो आगे का जो प्रपोजल होगा वो जो मिनिस्ट्री है वो आगे देंगे ठीक है तो ये सारे ये स्टेक होल्डर ये सब लोग हैं जिनसे बातचीत की ठीक है तो ये आप देख सकते हो नेक्स्ट न्यूज़ है अ न्यू ए आई ड्रिवन प्लेटफॉर्म विल फैसिलिटेट अर्ली कोविड इंटरवेंशन ओवर व्हाट्सएप तो एज कोविड नाइन्टीन कंटिन्यूज टू रैक है वॉक तो यहाँ पे क्या है जो रैपिड टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना ठीक है कंटेनमेंट जोन को हम ठीक से नहीं बना पा रहे हैं तो इसके वजह से एक चैलेंज जो ये आया है रूरल एरियाज में मेनली इजी अल्टरनेटिव टेस्ट आर नेसेसरी जैसे आर टी पी सी आर टेस्ट है कुछ तो वो फॉल्स नेगेटिव दे देते हैं है ना तो यहाँ पे क्या है आर्ट पार्क ठीक है आर्ट पार्क सॉरी ए आई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ठीक है आर्ट पार्क मतलब ए आई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जो आई आई एस बेंगलौर ठीक है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलौर विद सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये कोलाबोरेशन करके बनाया है जो बेंगलौर बेस्ड हेल्थ स्टार्टअप है निरा मई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज़ डेवलप्ड दिस एक्सरे सेतु ठीक है तो मेनली ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी कोविड पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट्स है अगर लो रेजोल्यूशन uh, का भी है चेस्ट एक्सरे इमेजेस सेंड ओवर व्हाट्सएप तो सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएंगी ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्या नाम है इसका एक्सरे सेतु ठीक है तो एक्सरे सेतु डॉट कॉम भी है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं ट्राई द फ्री एक्सरे सेतु बेटा बटन एंड प्लेटफॉर्म विल बी देन रीडायरेक्टेड द पर्सन टू अनदर पेज ठीक है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको व्हाट्सएप बेस्ड चैटबोर्ड पर रहना है व्याया वेब और, और स्मार्टफोन एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपको डॉक्टर सिंपली सेंड करेगा व्हाट्सएप मैसेज टू फोन नंबर ये है टू स्टार्ट द एक्सरे सेतु सर्विस देन दे जस्ट नीड टू क्लिक द पिक्चर ऑफ द पेशेंट ठीक है तो एक ये है और बस निर्मल जो है सॉरी निरमई जो है पार्टनर्ड है विद आर्ट पार्क एंड आई टू प्रोवाइड अ रैपिड कोविड स्क्रीनिंग मेथड तो फॉर रूरल डॉक्टर्स हु हैव एक्सेस एक्सरे मशीन ठीक है नेक्स्ट जो यहाँ से न्यूज़ है वो देख लेते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज कम्बाइंस टू ब्रिंग सेफ एंड हेल्थी ड्रिंकिंग वाटर ठीक है तो ये uh, बोला गया है सी एस आई आर एन एस एल पुणे के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वी एम भंडारी के द्वारा और इन इन्होंने मतलब क्या डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड द नोवल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्वास्तिक ठीक है तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है स्वास्तिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ये डेवलप किया है दैट इन्वॉल्व्स बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर रिडक्शन ठीक है एंड ऑल्सो यूजेज नेचुरल ऑयल्स हैविंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे उनको एलिमिनेट करेगा ये टेक्नोलॉजी से एंड इंक्लूडिंग एंटी माइक्रोविल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इकोनॉमिक इट इज़ नॉट ओनली इंटीग्रेट्स इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा फॉर कंप्लीट डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर बट ये जो पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट्स हैं नेचुरल ऑयल्स के तो वो भी देगा ठीक है तो यहाँ पर ये बताया कि टेक्निक कैसे कहाँ पर यूज़ हो सकती हैं बायोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद नेचुरल रिसोर्सेज यह तो स्वास्थ्य किसका नाम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स देगा इन टर्म्स ऑफ सेफ वाटर मतलब सेफ वाटर को प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ इसका होगा ऑल्सो पॉसिबली हेल्थ बेनिफिट्स दैट कैन ऑल्सो बूस्ट इम्यूनिटी एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स एंड अंडरलाइन इन द कोविड नाइन्टीन एरा में इम्यूनिटी ही सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम भी बना हुआ है हाउस होल्ड टू कॉर्पोरेशन वाटर ट्रीटमेंट ठीक है देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं वर्ल्ड न्यूज़ चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ अ ह्यूमन इन्फेक्टेड विद एच वन जीरो नाइन थ्री एवियन इन्फ्लुएंज़ा ठीक है तो ये एच वन जीरो नाइन थ्री एक पर्सन यहाँ पे पाया गया इन्फेक्टेड तो ये पहली बार है ऐसा जब रिपोर्ट किया गया इससे पहले देर हैजन बीन एनी केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ एच वन जीरो नाइन थ्री रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर ठीक है तो चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने ये बताया है और एक बार हम देख लेते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली ठीक है तो एच वन ज़ीरो नाइन थ्री जो है एन थ्री Uh, बहुत सारे एवियन इन्फ्लुनज़ा के डिफरेंट स्ट्रेट स्ट्रेंस पाए जाते हैं चाइना में एंड सम इन्फेक्ट पीपल कुछ तो लोगों को बहुत जल्दी ही इन्फेक्ट कर देते हैं जो लोग मेनली पोल्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं उनको लेकिन कुछ बहुत स्लो होते हैं तो इसको देख लेते हैं एक बार एच वन ज़ीरो एन थ्री जो है आ, ये क्या है इज़ अ लो पैथोजेनिक और रिलेटिवली लेस सीवियर स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन पोलिट्री अकॉर्डिंग टू द एन एच सी द रिस्क ऑफ एच वन जीरो एन थ्री बर्ड फ्लू स्प्रेडिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज वेरी लो कि मतलब ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर लोगों को होगा तो इसके चांसेज बहुत कम हैं. और इससे पहले जो था एच सेवन एन नाइन जो बर्ड फ्लू आउटब्रेक था वो आया था जहाँ पर दो हज़ार सोलह से तीन uh, सौ लोगों की जान चली गई थी 2017 के बीच में एंड द फर्स्ट ह्यूमन केस जो था इसका चाइना में ही रिपोर्ट किया गया था मार्च 2013 में उसके बाद ये दूसरी जगह भी स्प्रेड हुआ एंड द बर्ड फ्लू वाज नोन टू स्ट्राइक ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स सेकेंड केम अराउंड टू और ये स्पाइक कर गया था जनवरी टू में ठीक है फिफ्थ एपिडेमिक जो था इसका फिर 2016 से स्टार्ट हुआ जहाँ पे 300 लोगों की जान गई फिर यहाँ पर Uh, पूरे वर्ल्ड में ये इन्फेक्टेड हुआ तो वन थाउजेंड थ्री सिक्सटी थ्री हंड्रेड सिक्सटी फोर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वाज इन्फेक्टेड मेजरली जो थे चाइना में थे उसके अलावा ताइवान मलेशिया कनाडा में हुए थे ठीक है तो अगर हम देखें एवियन इन्फ्लुएंजा के बैकग्राउंड के बारे में तो ये बर्ड फ्लू दैट कैन पास फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमंस ठीक है एवियन मतलब क्या होता है बर्ड की कैटेगरी तो बर्ड से ये ह्यूमन में पास होता है और ए एच सेवन वायरसेस जो था नॉर्मली वो सर्कुलेट होता है एवियन पॉपुलेशन में ही ठीक है और ओकेजनली होता है जो वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करे एंड देर हैव बीन नो सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विद बर्ड फ्लू सिंस एच सेवन एंड नाइन स्ट्रेन ठीक है तो एक ये है न्यूज़ देन यहाँ पे दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं क्या है चाइनीज ब्लॉगर फर्स्ट टू गेट जेल तो जेल भेज दिया है बांग्लादेश स्ट्रिक्टर लॉकडाउन इन बॉर्डर हेल्थ मिनिस्टर एंड यहाँ पे ये न्यूज़ भी है कि रिलोकेटेड रोहिंग्या रिफ्यूज एड भाषण चार प्रोटेस्ट बिफोर यू एन टीम तो यहाँ पर यह भाषणचार है क्या ठीक है भाषण चार की एक बार मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ यहाँ पर मैप में हम देख लेते हैं तो ये है ठीक है ये भाषणचार बांग्लादेश की साइड जाए हम अगर हम इंडिया से ईस्टर्न साइड में तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है दिस इज भाषण चार ठीक है तो ये एक आइलैंड है जो यहाँ पे ये जो कॉक्स बाजार है ना ये बांग्लादेश का जो पार्ट है कॉक्स बाजार यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज हो गए थे तो यहाँ से इनको यहाँ लेके जाया जा रहा है ठीक है चट्टोग्राम यहाँ पे एक पोर्ट भी है तो Uh, क्यों ले जाया जा रहा है मतलब क्या उसका मेन उद्देश्य है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कंसर्न ये भी थे कि एक ये कंट्रोवर्शियल फ्लड प्रोन भाषण चार आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल uh, में यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी होती हैं डिस्पाइट uh, मतलब अपोजिशन तभी भी यहाँ पे इनको भेजा जा रहा है और ये बिल्डअप किया गया था बांग्लादेश के द्वारा इन द बे ऑफ बंगाल ओनली ट्वेंटी ईयर्स एगो कंसर्न यही है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वो होती रहती हैं और रोहिंग्याज कौन है मेनली रोहिंग्याज एक एथनिक ग्रुप है जो मोस्टली मुस्लिम मेजोरिटी हैं एंड देवर नॉट ग्रांटेड फुल सिटीज़नशिप इन म्यांमार ठीक है Myanmar, तो म्यांमार के द्वारा इनको फुल सिटीजनशिप नहीं दिया गया है तो ये इनको क्लासिफाई किया है एज अ रेजिडेंट फॉरनर्स और एसोसिएटेड सिटीजन्स ठीक है इथनिकली ये बहुत क्लोज हैं जो इंडो आर्यन पीपल हैं ऑफ़ इंडिया और बांग्लादेश देन टू देन टू सिनो तिब्बतन ऑफ द कंट्री तो जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस तो इन्होंने बोला है एज़ वन ऑफ इफ़ नॉट द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल ऑफ़ द वर्ल्ड है ना तो ये बोला गया है इनको आ, तो अभी ये कहाँ है एट लैख सिक्सटी थाउजेंड रोहिंग्या अभी रह रहे हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रिफ्यूजी कैंप इन सदर्न बांग्लादेश जो मैंने आपको बताया कॉक्स बाजार की जो लोकेशन थी उधर ही रह रहे हैं ज्यादातर सो द म्यांमार एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट ये कंटिन्यू नेगोशिएट कर रहे हैं कि इनका रिपार्टेशन किस तरीके से होगा रोहिंग्या रिफ्यूजीज का म्यांमार में एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फोर्टी uh, रोहिंग्याज या फोर्टी रोहिंग्या अभी रह रहे हैं ठीक है तो भाषण चार इसको फ्लोटिंग आईलैंड भी बोलते हैं और ये ट्वेंटी एय से ही फॉर्म हुआ है रेगुलरली फ्लड्स ड्यूरिंग जून सेप्टेम्बर मानसून सीजन जब होता है तो ये फ्लड प्रोन्ड है मतलब बाढ़ वगैरह यहाँ पे आती रहती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है तो यहाँ इनके लिए हॉस्पिटल बिल्डिंग सब कुछ बनाया हुआ है ना तो यहाँ एक अलग से जगह पे इनको रिलोकेट किया गया है दुनिया से बिल्कुल अलग थलग तो ये है नेक्स्ट न्यूज़ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर होल्ड वर्चुअल मीटिंग डिस्कस कोविड नाइन्टीन चैलेंज ठीक है तो इंडियन एक्सप्रेस की ये आज की न्यूज़ है तो यहाँ पे वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है ब्रिक्स की जयशंकर सेट डिज़ायर चेंज कैन बी अचीव ओनली बाय कंडक्टिंग पॉलिसीज इन अकॉर्डिंग विद दिस प्रिंसिपल्स ठीक है तो ये आपको पता होगा ब्रिक्स नेशन है ठीक है और यहाँ पे बोला गया है कि फाइव नेशन ग्रुपिंग ब्रिक्स एंड रेफर टू इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन चार्टर दैट रिकोगनाइज द सोवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड रिस्पेक्ट देयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ठीक है तो मीटिंग जो थी ये अटेंड की गई रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ठीक है तो एक बार ये देख लो ब्राज़ील के फॉरन मिनिस्टर का नाम क्या है कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको एंड इंडिया in होस्टेड इट इज़ इन कैपेसिटी ऑफ द चेयर ब्रिक्स दैट इज़ ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ठीक है तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कॉमन स्टैंड अलोन ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है ब्रिक्स नेशंस की साइड uh, से ऑन रिफॉर्मिंग द मल्टीलेट्रल सिस्टम कि किस तरीके से जो मल्टी लेटरल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना है जो हमारे मल्टी लेट्रल इंस्टीट्यूश इंस्टीट्यूशन हैं जैसे यू एन है इसका जो प्रिंसिपल ऑर्गन है दैट इज़ नोन एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद या फिर जो जनरल असेंबली है ई e सॉक -E जो है इकोनॉमिक एंड सोशल जो है द सेक्रेट्रियट तो इनको किस तरीके से रिकवर मतलब कैसे कैसे इनमें रिफॉर्म लाने हैं इसके अलावा आई एम एफ़ वर्ल्ड बैंक मल्टी लेट्रल ट्रेडिंग सिस्टम जिनको डब्ल्यू टी ओ अंकटार्ड इसमें आ गया एंड द ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस सिस्टम विद द डब्ल्यू एच ओ एट इट्स कोर सो पर्टिकुलरली अगर बताएं तो यहाँ पे मल्टी लेटरल रिफॉर्मेशन की बात हुई मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूट की बात हुई की कि किस तरीके से क्या यहाँ पे करना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रिक्स uh, के बारे में थोड़ा सा कि ब्रिक्स uh, का फॉर्म हुआ था ठीक है तो वो भी जानना ज़रूरी है स्टैटिक पार्ट और पहले क्या था ठीक है तो एक्रोनिम तो पता चल गया कि ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका तो 2001 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ तो इन्होंने ये टर्म इन्होंने टर्म दिया था बी आर आई सी ब्रिक है ना तो फोर इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए ये था ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना के लिए ठीक है इसमें साउथ अफ्रीका उस टाइम पे नहीं था और ये जो फॉर्मलाइज हुआ जब ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर की 2006 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद देन साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट कर दिया गया था 2010 में ठीक है तो 2010 में ये साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ ठीक है तो दो तीन फैक्ट्स याद रखने के हैं 2001 में फॉर्मेशन उस टाइम पे बी आर आई सी ही इसका नाम था देन जब साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर दिया तो ये ब्रिक्स हो गया 2010 में इसको ऐड किया गया ठीक है और किसने जिम ओ नॉयल नील ठीक है तो इन्होंने इसको टर्म को क्वाइन किया था अब ये है चेयरमैनशिप जो इस फॉरम की है दैट रूटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन विद द एक्रोनिम ब्रिक्स और इसकी जो सबमिट है वो एनुअली होती है ठीक है फोर्ट लेजा जो है यहाँ पे सबमिट हुई थी 2014 में और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी तो एक और फैक्ट हमें मिल गया कि एन की स्थापना इस फोर्ट जिला जो डिक्लेरेशन सबमिट था तो इसमें हुई थी ठीक है नेशनल डेवलपमेंट बैंक 2014 में और ये भी आ जाएगा कि किसका बैंक किस है एन डी बी रिलेटेड तो ऑबियसली ब्रिक्स से रिलेटेड है ब्रिक्स कंटेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इन्होंने साइन किया था उस टाइम पे ठीक है तो ये है ये सारी ट्रैक वन ट्रैक टू ट्रैक थ्री डिप्लोमेसीज होती है तो ये देख सकते हो आप कि पहले जो ट्रैक वन है फॉर्मल डिप्लोमेटिक होता है जो नेशनल गवर्नमेंट के लेवल पे होता है है ना देन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस बिजनेस काउंसिल तो उसको ट्रैक डिप्लोमेसी बोलते हैं ट्रैक थर्ड जो सिविल सोसाइटी या फिर पीपल पीपल और एंगेजमेंट होता है ठीक है देन यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज डिस इनफेक्शन सिस्टम वज्र कवच तो अभी ये न्यूज में है सिंपल simple disinfection process that enables corona वॉरियर्स to reuse their mask and ppes to पी ईज तो टेक्नोलॉजी ये डेवलप की गई है निधि प्रयास के प्रोग्राम के अंतर्गत जो इनिशिएट की गई है डी एस department of science and technology साइंस hai टेक्नोलॉजी ठीक है क्या है इसका नाम वज्र कवच यह आपको देखने को मिल रहा होगा अगर आज के टाइम पर मतलब कोरोना के सेकेंड वेव चल रही है तो हमारे जो डॉक्टर्स है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं तो उनको पी पी किट में ही रहना पड़ता है ना ट्वेंटी फोर बाय सेवन तो उस टाइम पे ये मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से वो अपने इसको रियूज़ करें कि दोबारा वो इसे पहन सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा तो हमारे पास है नहीं कि आप एक दिन आज कोई नया पहन रहे हो फिर दूसरे दिन दूसरा पी पी किट पहन रहे हो ना तो so, वज्र कवच एक तरीके से यू वी अल्ट्रा सिस्टम है जो एनी जितने भी पॉसिबल ट्रेसेस होंगे डिजीज कॉजिंग सार्स सी ओ वी टू के तो वो उनको रिमूव करेगा फ्रॉम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और एन नाइन्टी फाइव जो मास्क है उससे भी ठीक है कोट से ग्लव से और गाउन से तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये इनेबल्स करेगा रि यूज़ ऑफ पीपीज एंड अदर मटीरियल यूज बाई हेल्थ केयर वर्कर्स और उनको भी प्रोटेक्ट करेगा साथ में एक तरीके से ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बाय हेल्पिंग रिड्यूस तो हमारे देखो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल के टाइम पे तो उसको भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा इट ऑल्सो मेकिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मोर अवेलेबल अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल अब निधि प्रयास के अंतर्गत ये किया गया इनिशिएटिव तो ये है क्या निधि दैट इज़ नेशनल आई फॉर इनिशिएटिव डी फॉर डेवलप डेवलपिंग एच फॉर हार्डनेसिंग आई फॉर इनोवेशन प्रयास मतलब पी फॉर आपका हो गया प्रमोटिंग ए फॉर हो गया पी PR आर मतलब प्रमोटिंग हो गया ए फॉर एक्सलरेटिंग एंड यंग वाई ए एस ठीक है यंग uh, जो एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स ठीक है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था निधि प्रोग्राम और इसमें जो इंक्यूबेटर्स हैं सीट फंड है एक्सीटर्स प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रांट्स तो ये सब सेटअप किया गया था ठीक है ये लॉन्च किया गया था अब निधि प्रयास प्रोग्राम में बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव लिए गए थे जैसे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर प्रयास ग्रांड टू तो सपोर्ट इनोवेटर्स प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ठीक है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक तरीके से एविडेंस है दैट अ बिजनेस आइडिया वर्क्स ठीक है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं इनको एक बार आप ये पीआईबी की न्यूज है ठीक है देन यहाँ पे देख लेते हैं नैनो यूरिया लिक्विड ठीक है रिसेंटली जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स हैं है, कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को जिसको बोलते हैं इन्होंने वर्ल्ड का वर्ल्ड नैनो यूरिया लिक्विड जो है फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया है ठीक है नैनो यूरिया लिक्विड अब पहले इस इफ्को के बारे में देख लो ये इंडिया की एक बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको सहकारी क्या बोलते हैं Uh, समाज बोलते हैं ना सहकारी सोसाइट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये होली ओन्ड बाय इंडियन कोऑपरेटिवस ठीक है इसमें 1967 को ये फाउंड की गई थी 1967 को ये फ़ाउंड की गई थी इफ को आई एफ एफ सी एल ठीक है और इस टाइम पे इस, इसमें 57 ही कोऑपरेटिवस थी लेकिन इसका जब एमेलगेशन हुआ तो थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है थर्टी सिक्स थाउजेंड इसमें इंडियन कोऑपरेटिव है सोसाइटीज़ और जो डाइवर्सिफाइड बिज़नेसेस इंटरेस्ट हैं जिनके जनरल इंश्योरेंस रूरल टू रूरल टेलीकॉम अपार्ट फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग फर्टिलाइजर्स ठीक है तो मेनली ये फर्टिलाइजर्स uh, को सेल करते हैं और मैनुफेक्चर करते हैं तो इसके बारे में देखें तो ये न्यूट्रिएंट लिक्विड है टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल यूरिया ठीक है तो ये जो कन्वेंशनल यूरिया है उसको रिप्लेस करेगा और ये कर्टेल करेगा जो भी रिक्वायरमेंट है ऑफ द सेम बाय एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ठीक है तो यहाँ पे इसके बारे में अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो ये देख सकते हो बाकी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था किसके द्वारा बनाया गया है क्या रिप्लेस करेगा और ने डेवलप्ड किसने किया है नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलौल गुजरात में है इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर कृषि ठीक है तो उसका एक बेहतरीन ये एग्जाम्पल है अभी हम जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे लिए रहेगा ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं ए एम बी आई टी ए जी ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है बाकी के जो एडिटोरियल जितने भी अगर जो रहेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे तो उनको मैं अलग से डिस्कस करूँगी अभी आप इन न्यूज़ पे देखें ये न्यूज़पेपर में जनरली नहीं आ पाती हैं रेयर आती हैं आई आई टी रोपर पंजाब हैज़ डेवलप्ड ए एम बी आई टी ए जी ठीक है तो इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डेटा लॉज कोल्ड चेन मैनेजमेंट होगी और ये किसने डेवलप की है पुणे ने ठीक है पुणे ने ही किया ना सॉरी आई आई टी पंजाब ठीक है अभी जस्ट आई रीड आई आई टी पंजाब हैज़ डेवलप्ड दिस और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस है ये जो रियल टाइम एम्बियन टेम्परेचर है ठीक है जब भी कोई भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है तो उस टाइम पे ये रियल टाइम uh, जो एम्बियन टेम्परेचर है उसको क्या करेगा रिकॉर्ड करेगा ठीक है एम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में आपके आजकल वैक्सीन्स भी आ सकते हैं इवन बॉडी ऑर्गन्स भी आ सकते हैं और ब्लड सैम्पल्स भी आ सकते हैं तो रिकॉर्डेड टेम्परेचर फर्दर हेल्प करेगा हमको कि पर्टिकुलर आइटम कब मतलब कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ये क्या मतलब उसको अभी भी यूज़ किया जा सकता है और इस पेरिस्ट है ना बिकॉज ऑफ़ टेम्परेचर वेरिएशन सो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैक्सीन्स के अगर संदर्भ में हम देखें कोविड नाइन्टीन वैक्सीन्स ऑर्गन्स एंड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ठीक है तो यू एस बी डिवाइस की तरह ये शेप्ड है एंड एम बी टैक कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर वॉर्ड्स इमिजिएट सराउंडिंग्स फ्रॉम माइनस फोर्टी टू प्लस एट्टी डिग्रीज इन एनी टाइम जोन फॉर फुल डे फुल नाइन्टी डेज और सिंगल चार्ज ठीक है तो ये जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के अंदर डेवलप की गई है डिवाइस दैट इज नोन एज अवध अवध क्या है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब एंड इट स्टार्टअप स्क्रैचनेस ठीक है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जो आई आई टी रोपर ने ही इस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से एंड एस सी आर बी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड टू कैरी आउट एक्सटेंसिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर ठीक है तो अब आपने अगर ध्यान से पढ़ाया तो आप ये बताएं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमबीट है कि रियल टाइम एम्बियन टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैरिशेबल प्रोडक्ट्स एंड इट वॉज रिसेंटली डेवलप्ड बाई द साइंटिस्ट ऑफ द यू एस ए तो, तो बता ही दो गए है ना तो प्लीज आप कमेंट करें वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ना इधर वन और नॉट टू ठीक है देन इंडिया की जीडीपी के बारे में हमने देखा था कि जो आ, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के मतलब था तो जीडीपी पी कॉन्टेक्टेड बाई सेवन पॉइंट थ्री परसेंट ट्वेंटी 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 वन एज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई सेंट्रल स्टेस्टिकल ऑफिस के द्वारा ठीक है तो पैंडमिक ने काफ़ी हिट किया है एंड ग्रॉस वैल्यू एडिड इन द इकोनॉमी ऑल्सो श्रेंक सिक्स एंड कंपेयर टू फोर वन फोर पॉइंट वन परसेंट है ना तो ये है जी ग्रोथ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे पॉजिटिव जी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वो दो सेक्टर हैं एक तो आपका एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशिंग सेक्टर हो गया दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस ठीक है पॉजिटिव ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है वन पॉइंट वैसे है और उसमें फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर फिशिंग में थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट अब शार्पेस्ट डिक्लाइन तो ये आप लॉजिकली भी मतलब आप बता सकते हो गैस करके क्योंकि होटल्स एक्टिविटीज कुछ नहीं हो रही है ना हमारा जो हॉस्पिटली सेक्टर है पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिसरप्ट हो गया है तो यहाँ पे ट्रेड होटल और जो ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सर्विसेज है तो यह है जी डी पी के बारे में आपको एक मॉनिटरी मेजर होता है ये मार्केट वैल्यू को जो भी अंतिम वस्तुएं और क्या होती हैं सेवाएं ठीक है जो प्रोड्यूस होती है कि में, तो उसकी मॉनेटरी मेजर होता है ग्रॉस वैल्यू Uh, जो एडेड होता है इज़ द मेजर ऑफ़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी तो ये है देन uh, यहाँ पे ब्रीफली मैं बता देती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ जाती है मराठा कम्युनिटी ब्रॉड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ठीक है तो आपके जी एस फिल्म जी एस टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस के uh, टॉपिक से रिलेटेड है कि यहाँ पे इनको ई डब्ल्यू एस कोटा महाराष्ट्र में दे दिया गया है और अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप्ट कर दिया गया था जॉब्स एंड एजुकेशन में लेकिन अभी ये होगा एज़ पर द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन परसेंट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ई डब्ल्यू एस वुड बी एलिजिबल फॉर टेन परसेंट एज रिजर्वेशन ठीक है तो उनको दस परसेंट रिज़र्वेशन मिलेगा किस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंड दिस वुड ऑल्सो भी अप्लाइड फॉर स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ठीक है अगर उनका कुछ होता है इस्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट तो उसमें भी उनको मिलेगा यहाँ पर ये न्यूज़ देख लेते हैं हॉर्टीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले तो किसने यूज़ किया है ठीक है सीडीपी को किसने यूज़ किया है कल्चरल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और क्या इसका पर्पज़ है कि जो भी हॉलिस्टिक ग्रोथ है हॉर्टिकल्चर की मेन हॉर्टिकल्चर की तो उसके लिए ये है हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है बागवानी ठीक है तो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बारह हॉर्टिकल्चर क्लस्टर होंगे जो ग्यारह स्टेट्स को कवर करेगा यूटीज़ को What do you say? तो ये क्या करेगा ये टेन लाख फार्मर्स को बेनिफिट देगा और जो भी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर हैं उनको आइडेंटिफाई हाँ, है। 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 है है। करेगा उनको डेवलप करेगा मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटेटिव और ये ऑलमोस्ट अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ टेन थाउजेंड करोड वेन इम्प्लीमेंटेड अगर फिफ्टी थ्री क्लस्टर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा ठीक है इट विल एड्रेस ऑल मेजर इश्यूज इंक्लूडिंग प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मार्केटिंग ब्रांड ठीक है तो पॉइंट्स टू बी नोटेड मतलब ये इस कैसे आ गई इसमें ठीक है सो so, मेन uh, जो है ट्री बुश और पैरिनल वाइन फ्रूट्स इसमें हैं, फ्रूट्स, और और में, आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ठीक है पैरिनल बुश एंड ट्री नट्स वेजिटेबल्स में रूट्स ट्यूबर शूट्स स्टेम्स लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स ऑफ एडिबल एंड मैनिमल मेनली एनुअल प्लांट्स आते हैं एरोमेटिक मेडिसिनल फ्लॉइज भी आते हैं और कट फ्लावर्स ऑर्नामेंटल प्लान्ट बेडिंग प्लान्ट ठीक है ट्री शर्फ टर्नामेंटल ग्रासेस तो एक बार इसको ध्यान से आप देखें ठीक है ये सब इसमें आते हैं दैन नेक्स्ट uh, हम प्लेस इन न्यूज़ देख लेते हैं कि कौन सा अभी रवान्डा एक कंट्री है तो ये न्यूज़ में था रिसेंटली और यहाँ पर जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट जो एमिनल मैक्रो हैं उन्होंने बोला था कि ये मतलब एक तरीके से माफी चाहते हैं इस कंट्री जो रोल 1994 में जो रवान्डन मैसेकर हुआ था जिसमें एट लाख पीपल की जान चली गई थी एंड मोस्टली इथेनिक टू टीज ठीक है इन इनको किल्ड किया गया था सो so, रवांडा क्या है एक लैंडलॉक कंट्री है इन द ग्रेट रिफ्ट वैली वेट द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन एंड ईस्ट अफ्रीकन कन्वर्जन ठीक है तो यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है रवांडा की और ये किगाली इसकी कैपिटल है ये युगांडा है इसके नॉर्थ में देन कॉन्गो डी आर सी बुरुंडी एंड तंजानिया ठीक है तो ये इसकी नेबरिंग uh, कंट्रीज़ हो गई युगांडा तंजानिया बुरुंडी एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो ओके तो ये है एंड नेक्स्ट uh, आप बता सकते हो ये क्वेश्चन का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तो वेजिटेबल रूट्स एरोमेटिक प्लांट्स पॉटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स मेज ठीक है तो कौन नहीं आती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर हु रिलीजेस डेटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया एनएसएस ओ सी एस ओ नीति आयोग नन ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो अभी बताया हमने आज ही तो थैंक यू हैव अ नाइस डे है